हाँ बोल भाई बोल, थक गई है पूरी। मैं ये बोल रही हूँ ना, हाँ, कि ऐसा होता है जब चढ़ाई चढ़नी है ना, हाँ, गांव में फंक्शन वगैरह होते हैं तो मेकअप भूल से भी नहीं पहुँच सकते। पूछो क्यों? हाँ, वो इस तरह से देखो पसीने से बह जाएगा, इसलिए आप बोलते रहते हो ना लड़की लेडीज टाइम लगाती है मेकअप करती है, भाई थोड़ा सा सुहाग की निशानियां तो लगानी पड़ती है। ठीक है, बाकी हम चाह के भी नहीं लगा सकते। ठीक है ठीक है, चलो चलो जा रहे थे हम। चलो तो चलो, इनकी शिकायत होती है ना, इनकी शिकायत होती है ना कि भाई लेडीज मेकअप करते करते टाइम लगाती है, तो मैं बोलना चाह रही थी इनके लिए। ठीक है चलो। ठीक है जी, नहीं नहीं ठीक है। और जनाब लग गए हैं गपशप करने चाचू जी के साथ, और अभी फंक्शन स्टार्ट हुआ नहीं है। क्यों शानवी जी, टाइम से पहुंच गए हम लोग। फंक्शन मतलब रिश्तेदारों के साथ भेंट और ढेर सारी गपशप, मतलब बोर होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, चांस ही नहीं है। बाकी अभी एंगेजमेंट हो रही है धीरे 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 से स्टार्ट, तो जो भी मतलब लड़की वाले लेकर के आए होते हैं लड़के के लिए वो सारी चीज़ें वो देते हैं, बाकी जो लड़के वाले लड़की के लिए लेकर के आए होते हैं तो वो सारी वो चीज़ें मतलब एक दूसरे को देते हैं, पंडित के मंत्र थोड़े से, तो यही सब चीज़ें थी। और बाकी सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, तो आपको पता ही है कि गचपच हो रही थी, मतलब कहीं पर भी आपको अच्छे से वॉइस समझ में आनी नहीं थी, तो इसलिए मैं क्या वॉइस ओवर ही देना सबसे बेहतर रहेगा। और बाकी यहाँ पर जी होता है ना अपने अपनी रिश्तेदारी के साथ अपना ग्रुप बना करके बैठ जाओ और लगे रहो गप्पे मारने में, और जो फंक्शन हो रहा है थोड़ा बहुत जो समझ में आ रही है चीज़ें देखते रहो, जो नहीं समझ में आ रही हैं तो कोई बात नहीं, अपने ही धुन में मस्त रहो, अपने ही गप्पों में मस्त रहो। तो ये सारा है। और बाकी एंगेजमेंट का जो कार्यक्रम है वो हो चुका है स्टार्ट, इस तरह से एंगेजमेंट की रस्में चली हुई हैं। और हम लोग पहुंच गए हैं ऊपर, एक्चुअली अंदर बैठे थे ना तो थोड़ा ठंड सी फील हो रही थी, इसलिए थोड़ी देर धूप में चले गए थे, फिर पतिदेव ने आवाज़ लगाई तो मैं आ गई थी फिर नीचे, और यहाँ पर ये सब आपस में गपशप कर ही रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी नहीं ही ज्वाइन करती हूँ अब। भाई मैं तो ना कहीं पर भी फंक्शन में जाती हूँ तो अपनी एक पहचान वाला ढूँढ के उनके साथ गपशप करने लग जाती हूँ, सही भी है, ऐसे तो रोज़ हम अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, तो कभी कभार फंक्शंस में जाते हैं तो रिश्तेदार मिलते हैं तो उनके साथ भाई गपशप करनी चाहिए बैठ के तसल्ली से। मैं तो कहती हूँ थोड़ा जल्दी सा आ जाना चाहिए ना, जैसे पतिदेव बोल ही रहे थे, इनको भी बड़ा मज़ा आता है ऐसे फंक्शंस में गपशप करने का, तो तभी तो ये सुबह से मेरे को बोले जा रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो, तुम लोगों ने लेट कर दिया लेट कर दिया। तो ऐसे फिर आराम से बैठ के फंक्शन भी इंजॉय करते रहो और बाकी अपना भी इंजॉयमेंट हो जाता है गपशप मारने का। तो ऐसा ऐसा है, बाकी अभी ये आशीर्वाद वाली रस्म चली हुई थी, तो जो भी रिश्तेदारी के होते हैं नियर बाई तो वो सब आशीर्वाद देते हैं इस तरह से, तो बहुत अच्छी रस्में होती हैं, इंजॉय करनी चाहिए। गपशप मार लेते हैं,
हौले हौले मारोगे तो तभी बोल रही हूँ कि वो आया, आपका माइक क्यों नहीं आया? बस कल ऐसा होता है, जैसे तभी मैं इनको बोलती रहती हूँ ना कि माइक होना, तो देखो जैसे अपने आप ऐसे गप शप कर लिया, और ऐसे अभी जो पंडित जी भी बोल रहे हैं इतना और भी सोच रहा था, तो आवाज़ अच्छे से नहीं पहुँच पाती, मुझे हटानी पड़ती है, वॉइस ओवर करना पड़ता है। चल कल पहुँच जाएगा वो यहाँ कल, पक्का। इस बार मेरा मतलब मैं जिद करके इनसे मंगवाई है, लेकिन नहीं पक्का। क्या बोल रहे हो? खा कर आया। और क्या खा के आया? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं खा के? सीधे चना खाया और पूरी खाई, पेट भर गया। तो मैं फिर से खाऊंगा। कितनी बार खाएगा? एक करोड़ बार। एक दो को देखो, अपने अपने गहने दिखा रहे हैं, क्या क्या बनाए हुए हैं हमें, हुआ को ये दिन का यही काम होता है और कुछ नहीं है। इधर फ्रेंड इधर जो मेरे मामू हो ना, सीधे मेरे मामू चल का यहां पर अपनी रिटायरमेंट का जब एंगेजमेंट का काम हो गया संपन्न, और उसके बाद लग गए जी खाना खाने। तो हम लोग जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि बैठ के खाना खाते हैं, तो पतिदेव यहाँ पे ये पत्ते वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने में लग गए, और उसके बाद फिर ये भी हमारे साथ ही ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि हमें भी जल्दी निकलना है, इसलिए पहली पहली बैंठ बोलते हैं इसको जो हम बोलते हैं, तो इसी में खा के निकल जाएंगे घर की तरफ। तो यहाँ पे ये देखिए जी, ये बना है पिट्ठे का मिठा है और बहुत ही टेस्टी बनता है, मुझे बड़ा पसंद आता है। और ये फिर मटर पनीर, इसके अलावा वो सेपू बड़ी भी बनी थी, उस टाइम पे कैप्चर करना भूल गई थी। बाकी ये कद्दू का खट्टा है, तो इस तरह से खाना बहुत ही ज़बरदस्त बना था। भूख लग पड़ी है वंदना, जल्दी करना फटाफट ना, मेरे को जल्दी करना। हाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आने वाले हैं चावल ना, बस आने वाले हैं, भूख लगी हुई है। छान भी चलो, वहाँ बैठो, वहाँ अपनी जगह बैठो, बैठ जा बैठ जा। ये मेरा रखा हुआ साथ में, मेरा खाली है, एंगेजमेंट होगी है खत्म, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। ये देख सकते हो बड़ा खराब वाला रास्ता है, यहाँ पूरा लैंडस्लाइडिंग हो गया, देखो नीचे ओ नीचे तक। बेटे मिट्टू गिर जाएगा। चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ, ऐसा नहीं कि एक्चुअली ना अभी ये ना मौसम टोटली थोड़ा खराब हो गया, ये देख सकते हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि एकदम बारिश लग पड़े और घर पे काम लगाया हुआ है वो कर रहे हैं, तो फिर वहाँ भी जाना ज़रूरी है, इसलिए फटाफट जा रहे हैं। पीछे भी आ रहे हैं वो लता वगैरह सारे आ रहे हैं, ये देख सकते हो, और ये आगे हैं सारे खाना खुना खा के। कितने नहीं जाना तेने, खोसरे सॉरी है नहीं जाना, कौन बोला एड़ा? घर पहुंचते ही सबसे पहले बनाई चाय मिस्त्रियों के लिए और खुद भी पी ली मैंने। पतिदेव गाड़ी के टायर की हवा निकल गई थी तो उसे ठीक करने चले गए। अच्छी खासी धूप लग गई है और यहाँ पे लगा हुआ है थोड़ा सा काम, और ये आज खाने में क्या बनाया हुआ है। हाँ बोल, इसकी कॉपी मोटी थी ना इंग्लिश वाली, पतली कर दी। नहीं इस पे मत लगाना बेटे, मिट्टू कवर इस पे मत लगाना। और ये आज बनाए हुए हैं चने, चने के अंदर मिक्स काले वाले चने हैं। हम इसमें फुलके ले जाएंगे, चावल ले जाएंगे। चावल नहीं बनाए मैंने बेटे, चावल आज बने नहीं है, फुलके बने हैं आज, फुलके बने हैं। चपातियां सुबह ठीक रहती है बेटे। बेटे मिट्टू सारे मत लगाना बेटे, जो वो मेन मेन कॉपी है उसमें लगाना सिर्फ, ठीक है? छोटी कॉपी मत लगाना कवर्स। बच्चों ने भी सुबह सुबह भेजा मुझे वहाँ दुकान में लेके आओ। अच्छा स्टिक पेन से क्या करोगे फिर आप? तो अभी पतिदेव लगा रहे हैं बच्चों के कवर, लगा रहे हैं कॉपियों में, और ये लोग कर रहे हैं नाश्ता। मैं फटाफट से शानू की कंघी कर लेती हूँ, और ठंड हो गई है ना उस वजह से ना मेरे को भी थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे बुखार सा है, सा नहीं है पर बुखार ही है, पर दवाई लेनी पड़ेगी।
कुछ नहीं, ले ले दवाई। ले आना आप जब जाओगे शाम को, तब ले आना। जो बंदना की डिमांड थी बड़े सालों से, ठीक है कि यार मैं बहुत जोर से बोलती हूँ, मेरी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है बोलने में। अब देख रहा हूँ कितने आराम से बोलूंगी, ठीक है। तो मैं आज इसके लिए माइक्रोफोन लेके आया हूँ। कितने का, कितने का पड़ा ये? पड़ा है 11,500 रुपये। 11,500 रुपये का पड़ा ना, और बाकी अभी क्वालिटी के बारे में पता चलेगा यूज़ करके। और हम कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे ही मंगाया था हमने, क्योंकि हम टेक्निकल वाले नहीं है ना, तो इस तरह का कोई स्पॉन्सर करने के लिए देता भी नहीं है। पर क्वालिटी के बारे में अभी कुछ बता नहीं सकते हैं ना। देखते हैं, डब्बा बड़ा बढ़िया है। अच्छा डब्बा तो बढ़िया आ गया ना। 11,000 भी बहुत होते हैं। नहीं वो तो बात है, 11,000 भी बहुत होते हैं। ये देख सकते हैं, आज हिम्मत कर ही ली ना एक्चुअली इन्होंने। ऐसे मेरे को टालते रहते थे कि इस बार में क्या नहीं, ले ही लो ले ही लो, इस तरह के डब्बे में आता है इसके अंदर ये, और क्या क्या है। अच्छा और क्या क्या है ये पता नहीं हुआ। ओ इसके चलो ठीक है, हम चेक कर लेते हैं ना, फिर आपको दिखाते हैं मतलब यूज करके भी कैसा लग रहा है। बाकी में है भी कामयाब की कामयाब नहीं है। ये देखिए इसी डब्बे में रह गई। हाँ, जैसे आपके वो ब्लूटूथ है। हाँ वैसे ही है। चलो ठीक है, तो हम इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं, है ना। कैसे जोड़ना और क्या क्या करना वो भी बता देना। ऐसे इनकी भी जोड़ा है नहीं, और लगी रही मैं बोलने, बाद में पता चले कि वॉइस ही नहीं थी इसके अंदर। ऐसा भी हो जाता है। फिर मैनुअल देख लो ना, नेट कर दिए हैं। आप ही बोल सकते हैं, मैं नहीं बोलूंगी। ठीक है बोल सकते हैं ना, पर एक मेरी आवाज भी जाएगी तो। हाँ जाएगी, देर में ये चलो उठ के जाओ, पर थोड़ा पास से दूर भाई क्या क्या होता है हम देखते हैं, चेक कर ले कर लेते हैं इसको सही तरह से। नॉइस कैंसिलेशन वाला है, खुद हो गया, क्योंकि जब आप नीला बटन दबाओगे ना, नीली लाइट आ रही होगी, ग्रीन लाइट आ रही होगी। आ जाओ नजदीक, आ जाओ यहाँ बैठ जाओ इस पे। और हवा चली हुई है तेज, तो किसी टेस्टिंग चली हुई है। अभी हमसे कनेक्ट हुए हैं, ये देखो यहाँ पे ये ग्रीन वाली, आगे चले जाओ फिर पता चले। ग्रीन वाली जो लाइट है वो धीरे धीरे बोलो। सही लाइट रहती है। चल तो अभी हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो हम थोड़ा दूर जाके देखते हैं कि जो इसकी वॉइस है कितने दूर तक सुन सकते हैं, और नॉइस कैंसलेशन कैसी है कैसी नहीं है। ये एक्चुअली वंदना के मोबाइल में कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं अपने मोबाइल में कनेक्ट कर रहा हूँ उसको, देखते हैं। तो यहाँ तक रेंज इसके काफ़ी है, आगे तक जाके देखता हूँ मैं। ये देखो यहाँ तक, मतलब कि 100 किलोमीटर तो होगी होगी मेरे ख्याल, 100-150 मीटर तो यहाँ तक आ गया मैं। अब देखते हैं ज़रा क्वालिटी, साउंड क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है, वो भी इसके बाद ही पता चलेगा कि अच्छी है क्वालिटी, नॉइस कैंसलेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, सब कुछ आपको बताएंगे वीडियो में। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, वंदना ही बताएगी अब इसकी क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है। भाई मेरे फ़ोन में तो यह सही से कनेक्ट हो नहीं पाया ना, पर इनके फ़ोन से कनेक्ट हो गया, और क्वालिटी भी ठीक ही है, मतलब नॉइस कैंसिलेशन का उतना ज़्यादा फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है। बाकी अभी यूज़ करेंगे तभी पता चलेगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही।